राष्ट्रीय लेवल की पार्टियाँ जी, राष्ट्रीय नेशनल नेशनलिस्ट पार्टी पार्टी कही जाती है भाजपा और शिवसेना जी, क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई, उसको उसी के भाषा में जवाब दिया गया कि आज पाकिस्तान जरा समा सिमटा हुआ बैठा हुआ है। तो मुझे यकीन, पूरा यकीन है कि भारत की जनता इस देशभक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए लड़ रहा है उसको आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और शिवसेना के तीन चार मंत्री उसमें जरूर रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज तक कांग्रेस आपके बारे में कहा जाता बड़ा एग्रेशन दिखता भी नहीं है, 2019 क्या उनके लिए भी कुछ अलग होगा, आप उनके गुरु रहे हैं? देखिए ऐसा है, एग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा है कि एग्रेशन का मतलब जरूरी नहीं कि वो मारो काटो जला दो तोड़ दो फोड़ दो, यही बात कहे तो ही एग्रेशन है। आज आप हम मुंबई में बैठे हुए हैं और मुंबई में कल मैंने एक कविता पढ़ी, उसमें वो था क्या कि तितलियाँ बारिश में खूब भीग रही हैं, तितलियाँ बारिश में खूब भीग रही हैं और लड़कियां जूडो कराटे सीख रही हैं, या तितलियों को कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत लड़कियों को है। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आदित्य ठाकरे ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है और वो संख्या जानती है कितना है, 20,000 से ज़्यादा लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये अगर आक्रामकता नहीं है तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहने से मैं नहीं समझता कि आक्रामकता होती है ना। तो मुझे उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगले कुछ वर्षों में ही, यानी मेरे जीते जी ही, वो महाराष्ट्र की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री जिस दिन मेरे पैर छू लेगा मैं समझ लूँगा मुझे गुरुदक्षिणा मिल गई। शिवसेना अभी कुछ दिन पहले तक जब गठबंधन नहीं हुआ था तो कपड़े उतार रही थी भाजपा की और आदि बोलते हैं आप कोई कपड़े नहीं उतारे गए। देखिए ऐसा है, शिवसेना जनता के हित के लिए सरकार से संघर्ष कर रही थी। कोई व्यक्तिगत कभी आपने देखा कि शिवसेना ने कभी बोला कि हमको 3 मंत्रालय दे दो, 4 मंत्रालय दे दो, नहीं तो रूठ रहे, ऐसा शिवसेना ने कभी नहीं किया। ये सब बाकी दल करते, शिवसेना मुद्दों पे आधारित, जैसे भगवान राम का मंदिर बनाने की बात हो या पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो, लेकिन मंदिर तो बना नहीं है। हाँ, लेकिन मंदिर बना नहीं, लेकिन मंदिर के लिए सरकार ने बहुत ठोस पहल की है कि 65 एकड़ जमीन जो विवादित नहीं है उसके लिए कोर्ट में उन्होंने कहा है और मध्यस्थता के बाद मुझे लगता है कि बाकी 2.77 एकड़ जमीन के लिए जो विवाद है वो भी सुलझ जाएगा और निश्चित ही भव्य मंदिर वहाँ बनेगा। चलिए अच्छे से अरुण जी, आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? एयर स्ट्राइक हुआ मोदी वो तो अगर मुझे लगता है कि सर्वे के बाद एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें कि मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एयर स्ट्राइक के, इस एयर स्ट्राइक के बाद, और राहुल भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो इसमें मैं राजनीतिक मुद्दों से खुद को दूर रखता हूँ, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो अभी इससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। और 100 बार की एक बार सत्तर साल के भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन अगर काम किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, बस इतना काफी है। मेरी कद अभी उतनी नहीं ऊंची हुई है कि मैं शिवसेना के बारे में कुछ बोल पाऊँ, उसके लिए बोलने के लिए हमारे गुरु जी बैठे हुए, इनसे वो प्रश्न आप जितना प्रश्न है पूछ सकते हैं, गुरु जी देंगे जवाब। थैंक यू।